सो गाइज कैसे हो। अब यार सबसे पहले ये चीज़ देखो, दिमाग की बैंड बज जाएगी भाई। BGMI के अंदर अपडेट शो हो रहा है कई लोगों को, और यहाँ पे देखो प्लीज़ डाउनलोड द न्यू वर्जन फ्रॉम गूगल प्ले। और गाइज प्ले स्टोर पे तो गेम अवेलेबल नहीं है, तो ये किस चीज़ का अपडेट ला रहे हैं गाइज? क्या ये 2.4 अपडेट की तो तैयारी नहीं है? वीडियो के अंदर तो जानने को मिल ही जाएगा ये किस चीज़ का अपडेट इन गेम के अंदर शो करवा रहे हैं। एंड साथ साथ गाइज बाहर निकल के आ चुके हैं 2.4 अपडेट के लाजवाब अपकमिंग फीचर्स, जो इस वाली वीडियो के तो अंदर जानने को मिल ही जाएंगे। गाइस पहले तो इस वाली वीडियो को आप भी लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दो। अब गाइस सबसे पहले इन गेम के अंदर आ रहे अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस कुछ लोगों को ये चीज शो हो रही है, जी हां मेरे भाई लोग। और यहां पे देखो दो टाइप के पॉपअप आ रहे हैं, ध्यान से देखना। यहां पे आप देख सकते हो प्लीज डाउनलोड द न्यू वर्जन फ्रॉम गूगल प्ले। अब गाइस प्ले स्टोर पे तो गेम अवेलेबल नहीं है, और यार ये किस चीज़ का अपडेट मतलब डाल रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखो भाई अपडेट का बटन शो हो रहा है, मतलब किस चीज का वो अपडेट मतलब डाल रहे हैं। अभी तो भाई 2.4 का अपडेट भी नहीं आया, और यहाँ पे बीच में तो वो 2.3 का अपडेट भी रिलीज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हो अ न्यू वर्जन इज अवेलेबल, प्लीज अपडेट बिफोर कंटिन्यूइंग। तो यार किस चीज का ये अपडेट हो सकता है? अब गाइस जिसकी आपको पता है BGMI के अंदर अपडेट अभी तक नहीं आया, जब तक वो बैन हुआ है 6 महीने से एक ही अपडेट चला रहे हैं। गाइस अपडेट की लिमिट 2 महीने की होती है, 2 महीने भाई मतलब जब से BGMI आया से 2 महीने के बाद एक अपडेट आ ही जा रहा है, बट यहां पे भाई 6 महीने हो चुके हैं भाई, कोई भी चीज भाई छोटा भी अपडेट नहीं आया है, ठीक है। एंड गाइस जिन जिन लोगों को ये चीज शो हो रही है उनका ऐसा कहना है अगर अपडेट के बटन पे टैप करते हैं तो गेम लॉग आउट हो जा रहा है। ये कोई भी बग ग्लिचेस एंड मतलब ये चीजों को फिक्स करने के लिए भी धीरे धीरे करके सभी को लाया जाएगा, या फिर गाइस न्यू टेस्टिंग चल रही है 2.4 अपडेट की, जैसा कि आपको पता है कुछ दिनों के अंदर ये भी आ जाएगा। अब गाइस यहां पे ये चीज अगर होती तो बहुत ही ज्यादा सही होगा सभी BGMI यूजर्स के लिए, क्योंकि अब यार बोर हो चुके हैं हम सब, और यार न्यू अपडेट का वेट कर रहे हैं और न्यू अपडेट आ ही नहीं रहा है। टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं तो यार ये चीजें शो होना बनती है। एंड यार जैसे कि आपको पता है भाई चीजें शो हो रही है, प्ले स्टोर पे गेम अवेलेबल नहीं है, फिर भी कईयों को वो 300 MB वाला अपडेट प्ले स्टोर के अंदर शो हो रहा था BGMI का। मतलब गाइस क्राफ्टन पीछे सोया हुआ नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ चीजें 100% की बात है कि मतलब ट्रैक करता ही होगा और अपन को गेम के अंदर या फिर कहां पर भी देखने को मिल रही है। अब गाइस बात कर ही लेते हैं आने वाले धांसु फीचर्स जो 2.4 के अपडेट में आने वाले हैं और अपडेट को लाजवाब बनाने वाले हैं। यहां पे फर्स्ट वाला ये फीचर निकल के आ रहा है भाई लोडिंग स्क्रीन, यहां पे 2.4 अपडेट की कुछ इस टाइप की रहने वाली है। गाइस वैसे यार आपको कैसी लग रही है? इस बार बहुत ही यूनिक चीजें ट्राई की है, यहां पे आप देख सकते हो भाई बहुत ही अलग है। एंड हां गाइस थैंक्स टू लकी मैन जिन्होंने ये लिख समय प्रोवाइड किए, तो गाइस उनके चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड गाइस उसके बाद नेक्स्ट वाला फीचर धांसु है, एंड इस चीज को परमानेंट के लिए ऐड किया जाएगा अपन के प्यारे एरेंगल के अंदर। गाइस हैंड ग्लाइडर इन गेम के अंदर ऐड होने वाला है, यहां पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से अलग-अलग जगहों कई जगहों पे इस चीज को सेट किया जाएगा। गाइस इस चीज के लिए आपको कोई भी पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका कोई भी डैमेज वगैरह नहीं होगा। एंड इस चीज का ध्यान रखना अगर आपको लैंडिंग नीचे करवानी है तो मतलब आप इसको लीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपको अच्छे से करवानी होगी। अगर आप लीव करते हैं तो डायरेक्ट आप नीचे गिरोगे और पैराशूट वगैरह नहीं खुलने वाला। एंड उसी के अलावा मतलब आपको बंदे भी मार सकते हैं, और मतलब इसको तो कुछ डैमेज 0 डैमेज होगा, मतलब इसका डैमेज ही नहीं है। इस मैप के अंदर कई ऐसे लोकेशन ऐड किए जाएंगे जहां से अपन का जो ग्लाइडर है उसे बूस्ट मिलेगा, मतलब नीचे से हवा ऊपर लेके जाएगी। यहां पे आप देख सकते हो स्टेप कुछ रहने वाला है। एंड उसके बाद गाइज ये वाला फीचर भाई नेक्स्ट लेवल है और बहुत ही ज्यादा फनी है। जैसे आपको बताया एरेंगल के अंदर बाइसिकल वाले स्टैंड ऐड किए गए हैं, और यहां पे आप देखो भाई 2 सीटर वाली बाइसिकल को ऐड किया जा रहा है फाइनली 2.4 के अपडेट में। भाई फाइनली वेक्टर अपनी बंदी को पीछे बिठा के साइकिल राइड करने वाला है, यहां पे आप देख सकते हो, और भाई आप भी कर सकते हो। सच में गाइस इस फीचर के लिए एक लाइक तो बनता ही है, और यार बहुत ही ज्यादा फनी है। अब गाइस उसके बाद जिसे कि आपको पता है पूरा अपन का नेक्स्ट वाला अपडेट मार्स लर्ट के ऊपर बेस रहने वाला, तो यहां पे आप देख सकते हो जो साउलिन टेंपल है उसको फाइनली यहां पे जो अपन का स्पॉन आइलैंड है तो वहां पे ऐड किया जाएगा। तो यार ये चीज भी बहुत ही सही दिखेगी स्पॉन आइलैंड पे। एंड उसके बाद गाइस ये वाला नेक्स्ट लेवल का क्रॉसबो ऐड होने वाला है, जो साउलिन वाली मतलब टेंपल रहती है ना, तो वहां पे अपन को ये वाली क्रॉसबो देखने को मिल जाएगी। भाई तीर कमान जैसी लग रही है, यहां पे आप देख सकते हो। एंड यार ध्यान से देखना,
अब यार इसका यूज बहुत ही ज्यादा होने वाला है, क्योंकि मेरे भाई जैसे कि आपको बताया नॉर्मल क्रॉसबो होता है तो वो अपन का मतलब लगता है, ठीक है भाई, कोई भी ब्लास्ट वगैरह बड़ा नहीं होता है, बट यहाँ पे ये देख भाई ग्रेनेड जितना डैमेज होने वाला है और वही ब्लास्ट रहेगा, ठीक है भाई। एक अगर आप तीर चलाओगे तो यार बंदा तो नॉक हो ही जाएगा, अगर पूरी स्क्वाड एक साथ बैठी है तो वो पूरी भाई फिनिश होने वाली है, भाई मजा आ जाएगा सच में यार। छोटी छोटी चीजें गेम खेलने का एक्सपीरियंस बढ़ा देती है यार। एंड उसके बाद गाइस फाइनली कंफर्म हो चुका है कि 2.4 के अंदर मतलब हनी बेजर करके ये न्यू गन ऐड होने वाली है। गाइस यहां पे आप देखो आगे से मेरे को M4 जैसी कुछ लग रही है, बाकी मतलब 7 का एमओ यूज होने वाला है इसके अंदर, पावरफुल गन होगी। और यार लॉन्ग रेंज के लिए इसको यूज बिल्कुल मत करना, क्योंकि यार इसका रिकॉल भाई 1 KM से भी बढ़कर है, ठीक है, M7 जैसा इसका रिकॉल है। और मतलब लॉन्ग रेंज के लिए तो काम की ही नहीं है, मीडियम रेंज या फिर क्लोज रेंज के बहुत काम आएगी। एंड उसके बाद गाइस 2.4 अपडेट के अंदर पॉपुलैरिटी का यहां पे आप देख सकते हो रिवॉर्ड्स ऐड किए जाएंगे, मतलब वीकली के अंदर जो भी टॉप 10 के अंदर आता है तो गाइज यहाँ पे पहले तो आप देखो टॉप 3 जो है तो उनको मिथिक चीजें दिए जाएगी। यहाँ पे स्पेशल एनिमेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही एंटर होता है लॉबी के अंदर तो इस टाइप का रहेगा, जो टॉप 3 वाले बंदे उनको मिलेगा। एंड उसी के साथ प्रोफाइल का कार्ड भी मिलने वाला है, उसका यूज मैं आपको अभी भी दिखाता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। एंड नीचे जो भी टॉप 4 से लेकर टॉप 10 तक के बंदे हैं तो उनको लेजेंडरी चीजें मतलब दी जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो उनका भी कुछ ऐसा ही एनिमेशन रहेगा। एंड उसको भी भाई जो प्लेयर कार्ड है वो भी दिया जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे प्लेयर कार्ड का यूज आप देख सकते हो, यहाँ आपका जो नेम रहे उसके पीछे आप मतलब अच्छा वाला बैकग्राउंड लगा सकते हो, तो बहुत ही सही चीज है, मतलब प्लेयर कार्ड प्रोफाइल को सजा देता है, सच में बहुत ही सही लगता है। ये चीज पहले गेम फॉर पीस के अंदर आ चुकी थी। बाकी मेरे भाई ये थे कुछ फीचर्स जो आने वाले अपडेट के अंदर आ जाएंगे। एंड यार कोई भी अगर BGMI के रिलेटेड अपडेट वगैरह आता है तो हर बार की तरह भाई मैं आपको बता दूंगा, इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। एंड अपन सभी यार होप करते हैं कि 2.4 का अपडेट तो यार आना ही चाहिए यार, बट देखते हैं, ठीक है। क्राफ्टन के ऊपर पूरी चीज डिपेंड रहती है, क्योंकि यार उनका गेम है और वो सारी चीजों को देख के ही अपडेट रिलीज करेगा। बाकी तो गाइस वीडियो को लाइक करके ही जाना है। एंड यार अगर आप भी BGMI खेल के पैसा कमाना चाहते हो तो यार जो आपको स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा है तो उसको देखो भाई, फ्री एंट्री है और पर किल के हिसाब से आपको पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है भाई, अच्छा खासा अमाउंट है। एक बार वीडियो को देख लो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो उसको देखो। तुम्हारा तुमसे मिलता है यार नेक्स्ट वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।